जंगल। नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, रीवा बिछिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 305 देसी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है, जहां बिछिया पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 307 देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां न्यायालय में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, मुखबिर द्वारा कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि बिछिया थाना अंतर्गत हिरोल गांव के पास रात्रि में करीब आरोपी विकास कोल द्वारा देसी शराब की बिक्री की जा रही थी। तभी बिछिया पुलिस ने टीम बनाकर दबिश दी। मौके पर आरोपी द्वारा शराब पुलिस को बरामद हुई है, जिसमें से पुलिस ने शराब की कीमत लगभग 27,000 की बरामद की है। वहीं बिछिया पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये थाना क्षेत्र अंतर्गत दारू की खेप पकड़ी हुई है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, ये थाना बिछिया अंतर्गत हिरोल गांव में कई दिनों से जो है दारू बेचने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में दिनांक 31 की रात्रि को जो है मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है भारी मात्रा में अपने घर में शराब बेचने हेतु छुपा कर रखा हुआ है। मुखबिर सूचना पर टीम गठित कर जो है रवाना हुए, और दौरान जो है उसके घर में दबिश दी गई तो एक व्यक्ति मिला, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम जो है विकास कोल पिता छोटे लाल कोल बताया। उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने दारू रखना कबूल किया, और उसी के ही बताए अनुसार उसके घर में दबिश दी गई, जहाँ से जो है लगभग देसी शराब जो है 300 पाव के आसपास बरामद हुई है, और उसे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। सर, कितनी कीमत होगी दारू की? कीमत करीब जो है 27,000 के आसपास है, और उसे जो है जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया है।